हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइस नेटवर्क के बारे में। अगर आप आइस टोकन को माइन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आइस नेटवर्क इथेरियम मेननेट से बाइनेंस स्मार्ट चेन में क्यों शिफ्ट हो रहा है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और बात करेंगे कैसे आपको एड्रेस को चेंज करना है या बाइनेंस का एड्रेस जो है, बाइनेंस मेननेट का एड्रेस, उसे कैसे वहां पर फिल करना है, इसको भी कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ कवर करेंगे आखिर ये कब तक लॉन्च होगा, कब तक आप इससे विड्रॉ ले पाएंगे अपने टोकन को, कब इसको सेल कर पाएंगे, सारी चीजें इस वीडियो के आज के सिनेरियो के हिसाब से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि जो लेटेस्ट न्यूज और अपडेट होती है हम आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आइस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। आप आइस एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा या सीधा प्ले स्टोर में जाकर वहां आइस को सर्च करके अपडेट कर सकते हैं। इसको करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप यहां पर ओपन करेंगे तो आप को यहां पर नीचे देखेंगे ना, यहां पे पहले इथेरियम लिखा हुआ आता था, अब लेकिन यहां पर बाइनेंस स्मार्ट चेन लिखा हुआ आ रहा है, यानी यहां पर ये इथेरियम मेननेट से बाइनेंस स्मार्ट चेन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, पहले इसके बारे में बात कर लेंगे। दूसरी बात पर बात करेंगे एक्चुअल में ये करना कैसे है, कैसे आपको फिल करना है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने कल के दिन अपडेट दिया था कि हम इथेरियम मेननेट से बाइनेंस स्मार्ट चेन में शिफ्ट होने जा रहा है। ये ऑफिशियल इनका जो है ट्विटर हैंडल है वहाँ पर इन्होंने अपडेट दिया कि हम यहाँ पर शिफ्ट होने जा रहे हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न बताऊँ, बाइनेंस स्मार्ट चेन में अगर ये शिफ्ट हो रहे हैं तो इथेरियम से कहीं बेटर यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस होने वाली है। और बाइनेंस स्मार्ट चेन आप सभी को पता है कि यहाँ पर बाइनेंस का एक नेटिव टोकन है और ये ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन है और इसी ब्लॉकचेन पे ये आइस नेटवर्क यहां पर डेवलप हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका क्वाइन आपको बीएससी स्मार्ट चेन में देखने को मिलने वाला है। इससे जो ट्रांजैक्शन फीस होगी सभी को बहुत कम देनी पड़ेगी। बात करें इथेरियम मेनली तो कहीं ना कहीं बाइनेंस स्मार्ट चेन से ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस आपको देना होता। यूनिस्वैप पे जब लिस्ट होता, जब आप उसे बाय सेल करते तो आपको ट्रांजैक्शन फीस काफी ज्यादा पे करना पड़ता, आपको इथेरियम रखना पड़ता। लेकिन बाइनेंस स्मार्ट चेन में ऐसा नहीं है। बाइनेंस स्मार्ट चेन में आपको बीएनबी में फीस लगेगी। बीएनबी एक टोकन है इनका, बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटिव टोकन है बीएनबी, उसमें फीस लगेगी लेकिन बहुत कम लगेगी, आप अफोर्ड कर लोगे। लेकिन इथेरियम में काफी ज्यादा फीस लग जाती है तो कहीं ना कहीं काफी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से यही रीजन है कि ये आइस नेटवर्क वालों ने अपना जो क्वाइन है वो सीधे बाइनेंस स्मार्ट चेन में शिफ्ट हो गया, यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन में ये क्वाइन अब डेवलप करने वाले, इथेरियम में नहीं करेंगे। और ये काफी अच्छा इन्होंने किया, ये फैसला लिया। अब दोस्तों यहां पर जैसे आप ओपन करेंगे आपका यहाँ पे ये मिलेगा, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे बीएनबी स्मार्ट चेन पे, तो यहाँ पे आपको श्योर होना चाहिए कि यहाँ पे आपका जो एड्रेस है यहाँ पे बीएनबी स्मार्ट चेन का है या फिर इथेरियम मेननेट का है। तो आपको इस एड्रेस को रीड कर लेना है एक बार। देखो अगर यहाँ पे दो कंडीशन पे मैं बताऊंगा, या आपको एड्रेस चेंज करना है या फिर आपको श्योर करना है कि आपने जो इथेरियम का एड्रेस यानी वॉलेट का एड्रेस डाला था वो इथेरियम का और बाइनेंस स्मार्ट चेन का सेम है या नहीं सेम है, क्योंकि कुछ कंडीशन में यहां जो एड्रेस है वो डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। तो आपको श्योर जरूर करना है। देखो आपने डाला तो इथेरियम का है लेकिन बाय डिफॉल्ट वो बीएससी का भी वही एड्रेस काम करता है, लेकिन आपको यहां पर कंफर्म जरूर करना है, कंफर्म करना है। और अगर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने आपको एक वीडियो दिया था, अगर आपको यहां पर एड्रेस भरना नहीं आता पहले इस वीडियो को देखिएगा कंप्लीट और उस वीडियो में जाइएगा, ये वीडियो दिया था, इसमें मैंने प्रॉपर डिटेल बताया था कि आपको एड्रेस कैसे निकालना है, कैसे अकाउंट बनाना है। इस वीडियो को अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। इस वीडियो में कुछ चेंजेस किए हैं, इसमें कुछ डिफरेंट है, लेकिन इसको पूरा देखिएगा क्योंकि यहां पर आइस नेटवर्क में इथेरियम से यहां पर बीएससी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब क्या करना है, यहां पर हमने ओके एक्सचेंज का वॉलेट ओपन कर लिया है, यहां पर आप देख सकते हैं ओके एक्सचेंज का वॉलेट। यहां सर्च बार में ऊपर जाना है दोस्तों, सर्च बार में आपको यहां पर बीएससी सर्च करना है, आपको सामने भी दिख रहा है लेकिन आप सर्च कर लेंगे तो यहां पे बीएससी सर्च करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं बीएनबी यहां सामने दिख जाएगा, यानी ये बीएनबी स्मार्ट चेन देखने को मिल जाएगा। ये इथेरियम मेननेट पे है, आपको यहां बीएनबी मेननेट पे ये कर लेना है। हमने बीएनबी मेननेट पे किया, उसके बाद देख सकते हैं यहां पे एक एड्रेस दिखा हमें,
इस एड्रेस को कॉपी कर लेना। ध्यान रखना कि आप बीएनबी सर्च करने के बाद बीएनबी स्मार्ट चेन पर क्लिक रहे, एक चीज ध्यान रखिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एड्रेस को कॉपी कर लिया है। अगर यहाँ पर सेम देखते हैं दोनों का एड्रेस सेम है, लेकिन आप एक बार श्योर कर लीजिएगा बीएनबी स्मार्ट चेन यहाँ पर सेलेक्ट करके जैसे मैंने बताया, और यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा अगर आपको नहीं आता ये सारी चीज़ें करने तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आप ओके एक्सचेंज का जो वेब थ्री का वॉलेट है उसमें आप कैसे यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन चाहे वो मेटामास्क का वॉलेट हो या फिर ट्रस्ट वॉलेट का कैसे इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, इस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने अब ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लिया है। ट्रस्ट वॉलेट में आप सामने जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है बीएनबी, या फिर आपको यहाँ पर बीएनबी देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा बीएनबी स्मार्ट चेन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएनबी, आप देख सकते हैं बीएनबी का ये है, तो यहाँ पर रिसीव पे क्लिक करके हम एड्रेस कॉपी कर लेंगे। ये देखो एड्रेस दिख रहा है ना, हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, आप ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ से इस प्रकार से एड्रेस निकाल सकते हैं। आप इस बीएनबी का मत निकालिएगा, ये ब्लैक और येलो वाला बीएनबी का निकालिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मेटामास्क ओपन कर लिया है। मेटामास्क में आपको यहाँ पे नेटवर्क में जाना है। ध्यान रखिएगा नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ ऐड नेटवर्क पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको सामने बीएनबी स्मार्ट चेन मिलेगा। तीसरे नंबर पे क्लिक करके अप्रूव करके यहां पर स्विच नेटवर्क पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये आपका स्विच हो जाएगा बीएनबी स्मार्ट चेन में। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहां सामने आपको यहां पर एड्रेस मिलेगा, इस एड्रेस को क्लिक करके कॉपी कर लेना है। यानी आप इस तरह वॉलेट से चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे मेटामास्क हो, चाहे वेब थ्री का वॉलेट हो ओके एक्सचेंज का, तो इस प्रकार से आप यहां पर एड्रेस निकाल सकते हैं। सिंपली दोस्तों मैंने, आप इस वीडियो को देखेंगे ना, इस वीडियो में मैंने प्रॉपर बताया है कि आपको ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, कोई भी वॉलेट हो, आसानी से आप ओके एक्सचेंज का जो वेब थ्री का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वो यहां पर आप चालू कर सकते हो, मतलब लॉगिन कर सकते हो, उसे एक्सेस कर सकते हो, उन सभी को आप यहां पे कर सकते हो। और इस कंडीशन में आप कैसे यहां पर बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस निकालोगे वो भी मैंने बता दिया, तीनों वॉलेट के बारे में बता दिया। अब सिंपली एड्रेस कॉपी लाकर आपको सिंपली यहां पर इसको क्लियर कर देना है। जैसे यहां पर मैंने एड्रेस फिल किया है, सिंपली इसको क्लिक करेंगे, इसको हम पूरा यहां पर कट कर देंगे, उसके बाद जो हमने अभी कॉपी किया उसको सिंपली पेस्ट करके ना हम यहां पर इस पे क्लिक कर देंगे। आप इतना श्योर कर लीजिएगा कि आप यहाँ पर जो एड्रेस आपका है सेम है या नहीं है इथेरियम का और बीएनबी का। अगर सेम है तो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार चेंज कर देना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर एड्रेस बिल्कुल चेंज करना है, आपने पहले किसी और वॉलेट का डाला था, अब आपके पास कोई और वॉलेट है, तो आप इस प्रकार से एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूँ यहाँ पर बहुत सारे भाइयों के कॉइन घट रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न, काफ़ी भाई बोल रहे हैं हमारा कॉइन घट रहे हैं। यहाँ पर आइस नेटवर्क ने अपडेट दिया था कि आपने जिनको जिनको रेफरल के थ्रू इनवाइट किया है और उनके थ्रू आपको जो बेनिफिट मिले हैं, अगर वो सामने वाले लोग माइन नहीं करेंगे तो आपके टोकन घटेंगे, यानी आपको जो उनसे बेनिफिट हुआ, टोकन आपको मिला था, वो माइनस हो जाएंगे। इसी वजह से जो टोकन है सभी के माइन हो रहे हैं। और यहां दूसरे पॉइंट पर जाऊं कि कब तक लॉन्च हो सकता है, दोस्तों यहां पर आइस नेटवर्क का विड्रॉवल बहुत जल्दी चालू हो सकता है, आपको आपके वॉलेट में टोकन देना शुरू कर सकता है, और यहां पर लिस्टिंग बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। दोस्तों लिस्ट कर दिया जाएगा और बहुत जल्द इसको एक्सचेंजों पर भी लिस्ट कर दिया जाएगा। इसके पीछे का एक चीज बताऊं कि पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट फैला हुआ है और ये बेस्ट टाइमिंग है किसी भी टोकन को अच्छा परफॉर्म करने के लिए, और आइस नेटवर्क वाले इसमें बहुत मास्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत कम समय में कम्युनिटी गेन कर चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरे प्रोजेक्ट को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो वो सही समय पर ही सारी चीज़ें करेंगे, तो कभी भी लॉन्च हो सकता है। अपने आइस कॉइन को ज़रूर माइन कीजिए, डेली माइन कीजिए, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम में हमने आयुष नेटवर्क का रेफरल लिंक शेयर कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन करके कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें हैं तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, और शाम को 8 बजे के आसपास लाइव मिलेंगे आपको, तो वहां पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और शाम को लाइव आएंगे तो वहां पर भी पूछ सकेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार कोई क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू सो मच।